कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीजों के अलावा चंद और बातों पर भी खवातीन से बैत लेते थे। उनमें एक ये भी थी कि नोहा नहीं करेंगी। नोहा मालूम है ना किसे कहते हैं? कोई करीबी अजीज मर गया तो चीखना पीटना, रोना पीटना चीखना। मैयत हर घर में होती है, हर घर में। बताओ दुनिया का कोई ऐसा घर है जिसमें मैयत ना हो? बास जिनके नहीं हुई इनको भी हो जाएगी साल के बाद, दो साल के बाद, चार साल के बाद। कोई ये कह के हमारे घर में कभी मैयत ही नहीं होगी, वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है, ठीक है ना? ऐसा नहीं हो सकता। सबने मरना है। हम जितने यहां बैठे हुए हैं मर्द और जितनी खवातीन बयान सुन रही हैं, बताओ आज से 50, 60, 100 साल के बाद हम में से कोई इस हुए जमीन पर होगा? हम में से किसी की उम्र 20 साल, किसी की 30 साल, किसी की 40 साल, तो कम से कम उम्र वाला 20 साल का है, तो लगा लो अगर वो ज्यादातर 80 साल तक हो, तो 80 तक कौन कौन जिंदा रहता है आज? कोई एक दिखा दें जो इस मजमे में 80 साल का हो, पर खाली एक भी नहीं होगा। तो 80 साल तक तो कोई भी नहीं रहता। हदीस में भी ये 60 से 70 के दरमियान मेरी उम्मत की उम्र है, अमूमी उम्र जो है 60 से 70 के दरमियान। तो जो 20 साल की उम्र का बैठा हुआ है यहां पे, तो वो अंदाजा लगा ले कि 40 साल 50 साल। तो 50 से 60 साल के बाद हम में से कोई भी बैठा हुआ क्या लेटा हुआ भी नहीं होगा। सब कब्र में 8 से 60 साल के बाद लिख ले मेरी पेशगोई, ठीक है ना? लिख ले 60 साल के बाद ना मैं जिंदा हूंगा ना आप जिंदा हूं, इल्ला माशाल्लाह शायद अल्लाह किसी को बहुत ही कोई बचा ले, कोई एक आध कोई बच गया तो बच गया, वरना बचने वाला नहीं। तो जब एक चीज यकीनी है तो उस पर इतना पीटना, औरतें शौहर मर जाए, हाँ मेरे जवान अगर शौहर मर जाए, बूढ़ा मर जाए तो खुश होती है कि चलो अल्लाह का फसल हो गया, अंदर अंदर से गया, खांसने के अलावा कोई काम तो था नहीं। जवान शौहर मर जाए ऐसा रोती है पीटती है, हाय मैं ही मिली थी जवानी में बेवा होने के लिए, हाय मेरे छोटे छोटे बच्चे, चीख चाख के। फिर कुछ दिनों के बाद सबर तो आ ही जाता है, लेकिन उस सबर का फायदा नहीं है जो खुद से आ जाए। अल्लाह के नबी एक कब्र पे गुजरे, एक औरत रो रही थी बहुत जोर जोर से, वो औरत नबी अलैहिस्सलाम को पहचानी नहीं, साहबिया थी। आपने फरमाया कि सबर करो सबर, उसने कहा आपको वो गम पहुंच जाए ना जो मुझे पहुंचा है, फिर पता चलेगा आप कैसे सबर की तलकीन करते, मेरा बच्चा मरा है आपका थोड़ी मरा है। अल्लाह के नबी चले गए, किसी ने बताया कि तो अल्लाह के नबी हैं, फौरन वापस आई, जब मौका मिला उनको आई, अल्लाह के नबी से कहा मैं सबर करती हूं। आपने फरमाया सबर उस वक्त है जब सदमा पहुंचे, जब सदमा पहुंचा उस वक्त जब सबर नहीं किया तो बाद में तो सारी जिंदगी तो कोई भी नहीं रोता भाई, सारी ना किसके पास इतना टाइम है कि सारी जिंदगी औरत अपने शौहरी को याद करते रोती रहे? सारी जिंदगी कोई भी नहीं, ना अपने बाप को याद करके सारी जिंदगी कोई रोता है ना। ये दुनिया के रिश्ते हैं ही अल्लाह ने आरजी बनाए, खत्म हो जाते हैं बड़े से बड़े जो है ना दावे करने वाले मोहब्बत के, कि एक दूसरे के बगैर जीने मरने की कस्में उठाई हुई है, वो भी थोड़े मर गया, अब मरो ना उसके साथ, तुम भी ट्रकिंग किया, तुमने जीने मरने की कस्में उठाई हुई थी, तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता, उसका एक्सीडेंट हो गया ट्रक के नीचे आ गया, तुम भी कैसे रह रहे हो भाई, मरो जाके तुम भी किसी ट्रक के नीचे, रक्षे के नीचे आओ, नहीं ट्रक के आगे कोई नहीं मरता, कोई भी नहीं मरता। तो इसलिए मेरे भाई जब ये दुनिया मुसाफिर खाना है, जाना है यहां से, तो छोड़ो कोई मर गया ठीक है, वक्ती गम हर एक को होता है, वक्ती गम तो कोई हज पे जा रहा होगा उसको भी गले मिलते हुए रोता है, आदमी 40 दिन के लिए मुझसे रुखसत हो रहा है, वो तो हज पे जा रहा है, अमेरिका जा रहा है ना आपका दोस्त, पता है एक साल के बाद आएगा, उसमें भी आदमी रो लेता है कि एक साल तक जुदाई होनी, वो रोना ठीक है, वक्ती चीखता नहीं हाय हाय हज पे चला गया, दीवारें सर दीवारों से जाके मार रहा है, ऐसा नहीं होता। तो ऐसे ही मेरे भाई कोई मर गया तो हमें रोना तो आता है, रुखसत हो गया, लेकिन थोड़े दिन की बात है, उसके बाद गम हल्का हो जाएगा, हमने भी वहां जाना है। या तो होता ना, ये पहली दफा दुनिया में पहला आदमी जो दुनिया से गया है, इसके बाद हम जाएंगे, हम भी जाएंगे। औरत को चाहिए, शोहर चला गया वो सोचे थोड़े दिनों में मैं खुद चली जाऊंगी, मैंने कौन सा यहां रहना। और अगर जवान औरत है ये सोचे शायद अल्लाह मेरे लिए किसी मुतबादिल का इंतजाम कर दे। तो ये जो है चीखना रोना जायज है, आवाज के साथ चीखना यह शरीयत में जायज नहीं। आज खवातीन इसकी पाबंदी नहीं करती, हमने अपने घरों में देखा है, अपनी जो बड़ी उम्र की खवातीन थी, हम जब छोटे बच्चे थे, हमारी दादियां नानियां, हमने देखा है कि मैयतें हुई उनकी आवाज नहीं निकली चार दीवारी से बाहर, ऐसा सबर अल्लाह ने उनको अता फरमाया था। मैयतें होती थी बहुत धीमी आवाज से रोती थी, आज मैयत हो जाए ऐसा घरों से चीखने की, खिदमतें नहीं करते बिल्कुल भी। वो जो शौहर मरा है ना, या तो उसकी बहुत खिदमत की हो दिन रात, सारे दादा नाना जो घर में मर जाते हैं, देखो औलाद दादा पोते नवा से कुछ भी नहीं पूछते, लेकिन मर गए तो रोते ऐसे जैसे इनसे ज्यादा मोहब्बत किसी को थी, ऐसे चीखते हैं, बाप मरने पर ऐसे चीखते हैं जैसे सारी जिंदगी बाप की खिदमत में गुजरी है। खिदमत
एक ढेले की नहीं होती बाप की, वो बेचारा चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है, ये करो वो करो, हर बात में बाप की मुखालफत। लेकिन जब अब्बा का इंतकाल हो गया तो ऐसे चीखेंगे, क्योंकि मोहब्बत का इजहार करना है ना कि हमें मोहब्बत थी, अमल से तो इजहार कर नहीं सके। हर रोने वाला मोहब्बत में सच्चा नहीं होता। तो इसी तरह याद रखो, अगर आपके अब्बा का अम्मा का किसी का घर में इंतकाल हो गया तो इतदाल से मोहब्बत का इजहार करना है तो खिदमतें करके करो। और बाप से मोहब्बत का इजहार करना है, अगर बाप का इंतकाल हो गया उनके लिए, फिर सारी जिंदगी दुआएं मांगो, सारी जिंदगी उनके लिए दुआएं मांगो। दुआएं भी मांगने की, इतने चीख रहे हैं दुआ नहीं मांगेंगे बैठे, दुआ की दरख्वास्त भी वो कैसे होगा, वो पैसे खर्च किए, देगे मंगवाई, कुरान खानी हुई, फातिहा पढ़ी, फूक लगाई, बस। उसने भी ये नहीं होता कि जो अल्लाह के नबी ने एक तरीका बताया कि जो है ना वलदुन सालिहुन यदउ लहू, वो औलाद जो एक बाप के लिए दुआएं मांगती है, इसको बेहतरीन सदका जारी कर, अपने लिए नहीं मांग रहे तो औलाद के लिए कहां से मांगेंगे। तो जो करने के काम है मेरे भाई, उनसे इंसान रह जाता है। तो इसलिए खास तौर पे खवातीन से गुजारिश है कि घर में जब किसी की मैयत हो, और यकीनन होगी, किसी ना किसी की शौहर मरेगा, औलाद मरेगी, नहीं तो आप खुद मरेंगी, कोई ना कोई तो मरेगा, एक एक करके सारे खत्म होंगे, नई नस्ल आएगी इस घर में। जिन घरों में हम रहते हैं, इन घरों में हमसे पहले कोई और रहा करता था, हम मरेंगे तो दूसरी नस्ल आएगी। हमारे हजरत फरमाया करते थे, बड़ी जबरदस्त बात फरमाते थे कि जब मेरी उम्र 63 साल की हो गई ना, तो फरमाया कि अब फिर मुझे शर्म आने लगी कि अभी तक जिंदा हूं, जा ही नहीं रहा। फरमाया मैंने सोचा अल्लाह के नबी 63 साल में दुनिया से चले गए, हजरत का इंतकाल 80 साल की उम्र में हुआ है। तो फरमाया 63 साल के बाद मैंने जब सोचा ना, मेरे पोते नवासे भी हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि भाई प्लेटफॉर्म पे जब नई गाड़ी आती है तो पुरानी वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म से निकल जाती है। तो मैंने कहा मेरी तो अब नस्ल की नस्ल आ गई, ठीक है ना, अब मुझे तो जाना चाहिए। तो ये अल्लाह का उसूल है कि भाई अब नई जनरेशन को अल्लाह मौका देते हैं। फरमाया कि ये पहले लोग थे, इन्होंने क्या अमल किया, इनको मैंने आजमा लिया। एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे, जो पेपर का वक्त 3 घंटे होता है ना आमतौर पर, वो मुकम्मल हो चुका। अब इनको निकालो, अगली खेप बीकॉम का प्रचार शुरू होगा, ठीक है ना। अब वो पुराने वाले दूसरे नए लोगों को आने दो, इनको निकालो। तो हमसे पहले बहुत सारी कौमें आई, इम्तिहान अल्लाह ने उनसे लिया, जो कद खलत लहा मा कसबत, जो उन्होंने किया अल्लाह फरमाते हैं उनका, वलकुम मा कसबतुम, अब तुम्हें अल्लाह ने जिंदगी देके मौका दिया, अब तुम जो अमाल करोगे उसका बदला तुम्हें दिया जाएगा। वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून, वो जो किया करते थे उसका सवाल तुमसे नहीं होगा, तुम जो करोगे उसका सवाल तुम्हारी आइंदा आने वाली नस्लों से नहीं होगा। तो ये है ही मुसाफिर खाना, सब खेप लगी हुई है, प्लेटफॉर्म है, एक स्टेशन है, स्टेशन पे गाड़ी कभी आके रुकती ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए रुक जाए, वक्ती तौर पे नई गाड़ी जैसे ही आएगी तो इससे पहले इसको स्टेशन छोड़ना पड़ेगा। तो नई नस्लें जब आ रही, हमें स्टेशन खाली करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा यहां से। इसलिए मेरे भाई मौत पे इतना चीखना, हाय हुए ये हो गया वो हो गया, ये चीजें काफिरों पर सूट करती हैं, मुसलमानों पर सूट नहीं करती। मर गए कोई बात नहीं, अल्लाह मगफिरत। अरबों के मैं अक्सर वाकया सुनाता हूं ना, अरबों में ठीक है बहुत सी खराबियां भी हैं, लेकिन बाज़ अरबों में अच्छाइयां ऐसी हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के असरात हैं, ब्लड का असर होता है ना, उसके असरात कुछ अरबों में बड़े बेहतरीन असरात हैं जो बाकी हैं। उनमें एक ये भी है, बड़े से बड़ा गम हो जाए, कहते हैं मा कद्दर अल्लाह, बस जो मुकद्दर में था हो गया। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं सऊदी अरब में था तो हमारे एक अरब मेजबान थे, उन मेजबान ने मुझे सुबह नाश्ते पे बिठाया, नाश्ता हम अभी खाने ही लगे हैं कि उनके पास फौरन फोन आ गया। फोन सुना उन्होंने, अच्छा बातचीत हुई, रख दिया। हमने पूछा क्या हुआ, कह रहे कोई इतना मसला नहीं, आप बिस्मिल्लाह। कह रहे हमने कहा बताओ तो भाई, कहा बात यह है कि मेरा जो बेटा है ना उसका एक्सीडेंट हो गया। ये कोई मसला नहीं है कि एक्सीडेंट हो गया? उन्होंने कहा बात यह है कि अगर हुआ यह है कि एक्सीडेंट हुआ, एम्बुलेंस उठा के उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर चुकी है, अगर या तो होता ना कि एडमिट ना किया तो फिर हम जाते जाहिर अस्पताल, जब अस्पताल पहुंच गया अब हमारा क्या काम है, जो होना था वो हो गया, बिस्मिल्लाह करें, नाश्ता करें आराम से। हजरत फरमाते हमारे तो मुंह से वो रोटी उतर नहीं रही कि भाई इसके बेटे का, जवान बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। फिर वो अरब ने कहा कि भाई बात यह है कि अगर हॉस्पिटल में एडमिट ना किया, हम भी यही करते ना ले जाके हॉस्पिटल, और क्या कर लेते हैं, अब टांग टूटी, हाथ टूटी, जो मर्जी टूटना था, जो टूटना था वो तो टूट गया, वो दोबारा जोड़ नहीं सकता। हमारा काम यह था कि हम हॉस्पिटल पहुंचा दें, लेकिन जो पहुंचाने वाले थे उन्होंने पहुंचा दिया। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद फोन आया मेरे पास, अब जो होना था मा कद्दर अल्लाह, वही अल्फाज इस्तेमाल, जो मुकद्दर में लिखा था वो हो गया। हमारे चीखने से, हमारे चिल्लाने से, हमारे हाय हुए करने से, भागम दौड़ी करने से अब कुछ भी नहीं हो। सुकून से हजरत फरमाते हैं, जबरदस्ती नाश्ता करवाया, नाश्ता करो फिर जाएंगे, फिर गए मिलने के लिए।
तो हौसला पैदा करे इंसान अपने अंदर,